खूंटी जिले भर के इकलौते बिरसा महाविद्यालय का नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल यानी NAAC की टीम द्वारा महाविद्यालय के लेखा जोखा और जांच के लिए दौरा किया गया। इस दौरान NAAC की टीम के द्वारा महाविद्यालय के संचालन और क्रियाकलाप की जानकारी दी गई। जांच करने आए अधिकृत टीम में डॉक्टर वादुयागिरी राजेंद्र, डॉक्टर ए वेंकट रमन अर्धानरी, डॉक्टर अस्मिता वैद, डॉक्टर HC चिलप्पा ने महाविद्यालय संबंधी सभी प्रकार के दस्तावेजों की जानकारी लेते हुए अन्य क्रियाकलापों की भी जानकारी ली। इस क्रम में टीम ने यह महाविद्यालय का नेक का योग्यता और अर्हताएं पूरी कराने के दृष्टिकोण से दो दिनों तक इस पर गहन जांच की। इसी क्रम में टीम ने महाविद्यालय परिसर और भवनों का भी निरीक्षण किया और पुराने तथा नए विद्यार्थियों से मुलाकात की। 1961 से चल रहा यह बिरसा महाविद्यालय जिले भर का इकलौता महाविद्यालय है जिसमें हजारों विद्यार्थियों ने अपना मार्ग प्रशस्त किया है और खेल की दुनिया में भी प्रतिष्ठा दिलाने वाला यह महाविद्यालय 1968 से संचालित है। इसी महाविद्यालय से भविष्य में विद्यार्थियों का भी भाग्य बदलने के लिए नेक के द्वारा मान्यता मिले इसके लिए निरीक्षण किया जा रहा है। टीम के द्वारा निरीक्षण के क्रम में कई सवाल किए गए जिसमें महाविद्यालय परिवार ने उनके द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर सिलसिलेवार ढंग से दिया और संतुष्टि करने का प्रयास किया जिसमें महाविद्यालय की उपलब्धि, खेल प्रतिभा, लाइब्रेरी, भवन व कमरे, आय व्यय का लेखा जोखा और तौर तरीके आदि पर चर्चा हुई। इसी क्रम में UGC और NAAC के 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को खूंटी सांसद सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की ओर से जिला सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार के द्वारा ट्राइब इंडिया एवं ट्राइफेड के द्वारा निर्मित गिफ्ट पैक देकर स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। मनोज कुमार ने कहा कि बिरसा महाविद्यालय का इतिहास में पहली बार NAC के द्वारा जांच किया जा रहा है। NAC के द्वारा से मान्यता मिल जाने से जिले के इकलौते महाविद्यालय में हजारों गरीब विद्यार्थियों को पठन पाठन के लिए सुविधा मिल जाएगी। SSR अपलोड हुआ था, उस SSR में 70 मार्क्स का मार्किंग हो चुकी है। ये आए हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के, जिसको हम लोगों ने SSR में कहा था कि मैंने दिया, वो चेक कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये अब रिपोर्ट चली जाएगी उनके माध्यम से डायरेक्ट UGC के पास। वहाँ उन लोग हम लोगों को ग्रेड के शक्ल में फाइनल करेंगे। इन लोग जो आए हैं सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं कि कॉलेज आगे बढ़े, विकास की ओर जाए। और खूंटी जिला में एकमात्र बिरसा के नाम से कॉलेज है और इनका स्थापना 1962 हुआ है। और अभी का प्रोविजन ऐसा है कि जब तक UGC दिल्ली वाली टीम जब तक नेक नहीं करती है तब तक जो है वहाँ से फंड रिलीज नहीं होगा। अभी ये पहली बार नेक हुआ है। अब ये कॉलेज आगे बढ़ेगा हर क्षेत्र में, हॉस्टल में भी और यहाँ साइंस में, आर्ट्स में, वोकेशनल वगैरह में सारा चीज़ का जो है अभी बढ़ेगा आगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बिरसा कॉलेज का मूल्यांकन होने वाला है और हो रहा है, अभी आए हुए हैं टीम। जिसको माननीय सांसद का केंद्रीय मंत्री के पहल पर जितने भी संसाधन की कमी थी बिरसा कॉलेज को, वो संसाधन उपलब्ध कराते हुए नेक की टीम का, उसके उपरांत नेक की टीम का आना, ये कहीं ना कहीं माननीय केंद्रीय मंत्री जी का सोच और खूंटी के प्रति संवेदनशीलता दर्शाता है। क्या अरे आज क्लास दीपू के रूम में? हाय मैम, कल रात से इसको पेट दर्द है तो सोच। क्या फाइन, स्टमक इन्फेक्शन निकला तो देखते हैं, नहीं तो पास वाले केमिस्ट से दवाई मंगवा लूंगी। हेलो, सवाल इसकी हेल्थ का है, जवाब एक्सपर्ट से पूछ लें। जैसे मुझसे वीडियो कॉल कर रहे हो वैसे प्रैक्टो पे डॉक्टर से कर लो। गुड बाय डाउट्स, से हेलो टू टॉप डॉक्टर्स ऑन प्रैक्टो वीडियो कंसल्टेशन 24/7। हेलो डॉक्टर, फिर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी दवाइयाँ ऑर्डर करें और बुक करें लैब टेस्ट या अपॉइंटमेंट। प्रैक्टो, डाउनलोड द ऐप।
you've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.